नमस्ते, कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा वीडियो लेकर आई हूँ, क्योंकि ऐसा आपके साथ भी होता होगा, क्योंकि आप भी कभी किसी लहंगे या ड्रेस के साथ में दुपट्टा लेने जाते होंगे, तो कभी कलर मैचिंग नहीं खाता है और कभी कलर मैच खाता है तो उसकी लेस वगैरह जो भी लटकन वगैरह होती है तो वो मैच नहीं खाती हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि इससे पहले आपने वीडियो देखा होगा, मैंने एक साड़ी का लहंगा बनाया था। उस साड़ी में थोड़ा हरा कलर था और उसमें मैंने हरे रंग की ही लेस का इस्तेमाल किया है, तो इसके लिए मेरे को हरे रंग का ही दुपट्टा चाहिए था। तो देखिए, मैंने मैचिंग का दुपट्टा तो मिल गया है, पर इस पर लेस थोड़ी अलग कलर की आई है, ये गोल्डन कलर की। तो मैंने सोचा कि पिंक कलर की साड़ी का लहंगा बनाया था तो पिंक लहंगा है, तो इस पर पिंक कलर की लेस हो तो बहुत अच्छी लगेगी। और इस पर जो लटकन आई है वो भी रेड कलर की आई है, तो मैंने सोचा चलो अलग से इसकी लेस लेकर लगाएंगे और फिर इसको तैयार करेंगे। तो देखिए मैं किस तरीके से इसकी लटकन और लेस लगाऊंगी। तो पहले क्या करेंगे कि इसकी जो ये लेस लगी है गोल्डन कलर की, उसको निकाल देंगे और इस लाल रंग की लटकन लगी है इसको भी निकाल देंगे। तो इस तरीके से मैं सारी सिलाई निकाल दूंगी पूरे दुपट्टे की, और दुपट्टा तो बहुत ही अच्छा आया है, पूरा मैच खा गया है जैसा साड़ी में कलर था वैसा। वैसे ये थोड़ा गहरा लग रहा है, साड़ी में थोड़ा हल्का दिखता है, पर ये कपड़े की में थोड़ा इसमें शाइनिंग है, उसमें कम शाइनिंग है, वो फ़र्क पड़ रहा है, नहीं तो कपड़ा सेम है और एकदम मैचिंग का तो मिलता भी नहीं है, आप भी जानते हो ये बात। तो देखिए, लेस को तो मैं अलग रख दूँगी, क्योंकि कभी भी कुछ भी चीज़ बनाएंगे तो उसमें इस्तेमाल ले लेंगे। अभी ये लटकन है, तो ये लटकन क्या है कि रेड कलर की है और हमें चाहिए पिंक कलर की। तो देखिए, मैं उसी साड़ी का कपड़ा लूँगी और यहाँ पर लगा कर इसको धागे से बांध दूंगी इस तरीके से। देखिए, पिंक कलर का ही धागा लिया है ताकि धागा भी दिखे नहीं। तो इस तरीके से दोनों लटकन तैयार कर देंगे और जो भी ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कट करके निकाल देंगे। आप देख सकते हो, इसी तरीके से हमारे मैचिंग की लटकन भी तैयार हो जाएगी। तो पूरे कपड़े को कट कर देंगे, जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर देंगे। तो देखिए, एक लटकन तो बनकर तैयार हो गई है, अब दूसरी लटकन बनाएंगे। तो दूसरी लटकन का पर भी इसी तरीके से हम धागा लपेट कर, देखिए दोनों लटकन पिंक कलर की हो गई है हमारी, और हमें कुछ ज़्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ा। अब मैं इसके चारों ओर ये लेस लगा दूंगी। तो देखिए, इस तरीके से पूरी पे लेस लगा देंगे। और देखिए, बहुत सारा कपड़ा दबा हुआ रहता था इसमें, चार चार मतलब 4 इंच का कपड़ा अंदर से दबा हुआ था, वो लेस लगी थी उसके अंदर, तो बहुत सारा कपड़ा निकल गया है। इससे ये चुन्नी भी बड़ी हो गई है। और देखिए, यहाँ कोने पर मैंने लटकन भी लगा दी है जो हमने बनाई थी मैचिंग की। तो देखिए, ये मैचिंग का दुपट्टा बनकर तैयार हो गया है और इसके चारों ओर यही लेस लगाऊंगी मैं। तो फिर इस पर लगाने के बाद में डबल सिलाई लगा देंगे ताकि ये मजबूत से लग जाए सिलाई। और अक्सर क्या होता है, थोड़ी सी सिलाई रह जाती है और धागा ख़त्म हो जाता है, तो मैं वापस मैचिंग का धागा डालकर लगा दूंगी। इतनी सी सिलाई बाकी थी। तो देखिए, हमारा दुपट्टा बनकर तैयार हो गया है मैचिंग का एकदम। तो अगर आपके भी कभी इस तरीके से मैचिंग नहीं हो तो आप घर पर ही लेस लाकर तैयार कर सकते हो। तो देखिए, मेरे एकदम मैचिंग का दुपट्टा तैयार हो गया है। और आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और थोड़ा भी अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप वीडियो देखते हो पर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो प्लीज़ हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो देखिए, मैं नीचे डालकर दिखाती हूँ, तो इस तरीके से दिख रहा है हमारा दुपट्टा। तो मैं पूरी ड्रेस जल्द ही आपको दिखाऊंगी। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।